सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और पहली बात तो तहे दिल से सॉरी कि भाइयों, इतने महीनों बाद मेरा न्यू व्लॉग आ रहा है। उसका भी एक रीज़न है। रीज़न सिंपल ही, हर बार एक ही रीज़न होता है, कहीं जाता ही नहीं, मतलब कॉलेज भी नहीं जाता तो व्लॉग क्या ही दिखाऊं। और बाकी तो अब अपने प्रयागराज में काफ़ी सारे इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे महाकुंभ हो गया और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, तो अब व्लॉग्स रेगुलर आएंगे, मतलब काफ़ी रेगुलर आएंगे। जैसे पहले एक महीने में एक आता था, तो अब हर एक हफ्ते में एक आ सकता है। बाकी तो मैं कन्फर्मेशन नहीं दूंगा ना गारंटी लूंगा, क्योंकि हर बार मैं अपने बातों से मुकर जाता हूं भाई। तो आज होने वाला है अपना बीकॉम का फ्रेशर्स पार्टी, मतलब फर्स्ट ईयर का फ्रेशर्स पार्टी है। तो अभी हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं, जस्ट मैं और मेरा दोस्त पारितोष यहाँ पर, सभी हम लोग आए हैं। तो टाइमिंग दी गई थी 10:30 की, तो हम लोग तो 10 ही बजे आके बैठ गए, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लॉग करना था। बाकी तो आज मेरी तबीयत उतनी अंदर से ठीक नहीं लग रही, मतलब इस टाइम वायरल फीवर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बस सोच रहे ब्लॉग बना लें, क्योंकि ये मतलब एक ही बार आता है लाइफ में ये वाला मोमेंट। बाकी तो चलो दिखाते पूरी लोकेशन और देखते क्या कैसे हो रहा है, ब्लॉग में बने रहो। गाइस चलो वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, बाकी चलो दिखाते हैं कैसी क्या वेन्यू। बाकी बाहर से ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से चलो दिखाते हैं। और पूरा व्लॉग रॉ रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ क्लिप डिलीट नहीं होगी, तो अंत तक बने रहना। बाकी चलो लेट्स सी कैसा होने वाला अपना फंक्शन। गाइस अपना फ्रेशर शुरू हो गया है, शायद उनको भी लगता होगा कि जैसे अभी कल की बात होगी, जब हम रोते रोते स्कूल जाया करते थे, और आज देखो हम यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, एक हसीन सफर की शुरुआत और एक यादगार सफर का अंत। इसी अंत को आज सेलिब्रेट करने हम यहाँ आए हैं फॉर आरोहण 2K24। आर यू गाइस फोटो बना रहा है, यो ये हुई ना बात, मतलब मैं बोलूं तो कुछ नहीं और डीजी बोले तो बहुत सी हो रहा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ब्राउजर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जिसका नाम है गो लॉगिन। सो गो लॉगिन इज द बेस्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। इस टाइम गो लॉगिन के होम पेज पे आ चुके हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पिन कर दूंगा, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे कुछ ऐसे इंटरफेस पे। तो जो गो लॉगिन ब्राउजर का काम है वो ये है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडल्स होते हैं वो सबको आप एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी आईडी बैन।
तो गाइस यहाँ जितने भी ऐप दिख रही है सब अभी इसके अंदर लिस्टेड है, बाकी धीरे धीरे और भी ऐप्स लिस्टेड होते जाएंगे इस ब्राउजर को, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए होगा जो भाइयों ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग भी फेसबुक से एड्स चलाते हैं तो उनकी कभी कभी एड्स अकाउंट भी बैन हो जाती है, तो बैन नहीं होगी अगर आप गो लॉगिन के थ्रू एक्सेस करोगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Oh,
सब्राइम पोक होने वाला है। लेट्स गो, लेट्स गो। कहां से मसाला लड़की कितनी खुली है कि मैं कोई खड़ा है बिना है।
ख़त्म हो गया और काफ़ी लेट हो गया, मतलब लेट शुरू हुआ तो लेट तो ख़त्म ही होना था। अगर काफ़ी अच्छा फंक्शन था और मिस्टर मिस फ्रेशर्स का इस टाइम हो रहा है तो मैं चला जा रहा है क्योंकि मेरा घर काफ़ी यहाँ से दूर है तो इसलिए जा रहा हूँ। और बाकी काफ़ी फंक्शन में मज़ा आया, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज था। सबसे मेन लास्ट में जो हम लोग का डांस था वो सबसे अच्छा लगा इस पार्ट का। बाकी तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाकी तो ये ब्लॉग मैं ढंग से नहीं बनाया क्योंकि ये मेमोरीज का ब्लॉग था तो बस मैं ऐसे शूट कर ले रहा था। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना। तब तक लेट गुड बाय टाटा जय श्री राम। प्लीज सर सर कर प्लीज सर।